Hello, dear students. I am Fatma Siddiqa, lecturer in Computer Engineering from Government Polytechnic Ghaziabad. Web Designing Tools Lecture Series ke first lecture mein aap sabhi ka swagat karti hu. Uttar Pradesh Board of Technical Education dwara yeh subject Web Designing Tools WDT PG Diploma in Web Designing course ke chhatron ke liye session 2021 se first semester mein include kiya gaya hai. इस सब्जेक्ट में आप सभी स्टडी करेंगे डिफरेंट वेब डिजाइनिंग टूल्स के बारे में, यानी कि ऐसे सभी टूल्स या सॉफ्टवेयर्स जो कि वेब डिजाइनिंग के लिए उपयोग होते हैं, जैसे कि डिफरेंट इमेज एडिटिंग टूल्स, वो सभी सॉफ्टवेयर जो इमेज को एडिट करने के लिए यूज होते हैं, डिफरेंट एनिमेशन टूल्स, एनिमेशन के लिए उपयोग होने वाले सभी सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप जानेंगे, स्टडी करेंगे. इसके अलावा प्रेजेंटेशन टूल्स एंड डिफरेंट ब्लॉगिंग टूल्स, ब्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, एंड उसके अलावा लास्ट में आप सभी जानेंगे अबाउट CMS एंड LMS टूल्स के बारे में, जिसमें Drupal, Moodle, Joomla एंड WordPress को कवर किया जाएगा. तो आज के इस लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक है हमारा फाइल फॉर्मेट्स. तो सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इमेज को एडिट करते हैं तो उसे किस किस फॉर्म में सेव कर सकते हैं, यानी कि किस किस तरीके से आप इमेज को अपनी सेव कर सकते हैं, उसके कितने फॉर्मेट्स होते हैं, इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है, जो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जैसे कि PSD, TIFF, GIF, JPEG, PNG, EPS, इन सभी से आपका क्या तात्पर्य है, कैसे इनको आप यूज़ कर सकते हैं. इमेज रेजोल्यूशन सबसे पहले जानना होगा कि क्या होता है. इमेज रेजोल्यूशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ लीनियर इंच. पिक्सल पर इंच PPI इज कॉल्ड इमेज रेजोल्यूशन. इट मींस कि जो आपकी इमेज है उसमें पर स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल होते हैं. एक स्क्वायर इंच में जितने पिक्सल होंगे उतना इमेज का रेजोल्यूशन कहलाएगा, यानी कि पिक्सल पर इंच को आप इमेज रेजोल्यूशन कहते हैं, यानी कि इमेज रेजोल्यूशन को पिक्सल पर इंच से डिनोट करते हैं. द मोर PPI द हायर द इमेज रेजोल्यूशन एंड द लार्जर द फाइल साइज. एक स्क्वायर इंच के अंदर जितने भी पिक्सल पर इंच, यानी कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे पर इंच में, पर स्क्वायर इंच में, उतनी ही ज़्यादा आपका इमेज का रेजोल्यूशन होगा और उतना ही आपका फाइल साइज इंक्रीज हो जाता है. स्टैंडर्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन इज 72 PPI. जो स्टैंडर्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है वो 72 PPI होता है. इमेजेस यूज फॉर द वेब शुड हैव एन इमेज रेजोल्यूशन ऑफ 72 PPI. तो वेब के केस में हमेशा 72 PPI की इमेज जो है क्रिएट की जाती है, जो कि आइडियल होती है, और प्रिंटिंग के केस में 300 PPI बेस्ट मानी जाती है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PSD से, क्योंकि फोटोशॉप का नेटिव फाइल फॉर्मेट है, कहलाता है PSD. PSD स्टैंड्स फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट. PSD इज वन ऑफ द फ्यू फाइल टाइप्स दैट फुल्ली सपोर्ट ऑल ऑफ द पावरफुल फीचर दैट फोटोशॉप गिव्स अस, like layers, layer masks, adjustment layers, channels, paths and so on. It also serves as your working file. So basically PSD क्या होती है? Photoshop की working file होती है. जो भी file आप Photoshop में जिसमें edit कर सकते हैं, जो कि सभी Photoshop की features को support करती है, ये एक working file होती है. ये इसको आप कहीं यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसे आप एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं. एंड जब भी आपको फाइल वेब के लिए या प्रिंट के लिए सेव करनी होती है, तो आप PSD के बजाय फोटोशॉप से डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि JPEG, EPS एक्सेट्रा. तो PSD बेसिकली क्या है? एक आपकी वर्किंग फाइल है फोटोशॉप की. PSD के अंदर आप डिफरेंट लेयर्स में वर्क कर सकते हैं, यानी कि जिस स्टेट में आप अपनी इमेज को सेव करेंगे डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए, आप वहीं से आप उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं. जबकि अगर आप उसे किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद वो लेयर्स मर्ज हो जाती हैं और दोबारा आप उसको एडिट नहीं कर पाते हैं. When we open an image in Photoshop, regardless of which file type the image was originally using, the Photoshop temporarily converts it into a PSD file behind the scene, so we can work on it with all the Photoshop tools, commands and features. जबकि अगर आप किसी भी दूसरे फाइल फॉर्मेट की दूसरे फॉर्मेट की फाइल को फोटोशॉप में ओपन करते हैं, तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली उसको एज ए PSD ट्रीट करती है.
बैकग्राउंड में उसको बिहाइंड द सीन पीएसडी में कन्वर्ट कर देती है, जिसके ऊपर आप डिफरेंट टूल्स को यूज कर सकते हैं। बट जो इमेज होती है वो आपकी एक सिंगल लेयर होती है, अगर आप जेपीईजी इमेज को फोटोशॉप में ओपन करते हैं। फिर जो भी आप उसमें वर्क करेंगे, उसके बाद जब आप अपना डॉक्यूमेंट एज ए पीएसडी सेव करेंगे, तो आपका पीएसडी फॉर्मेट में वो सेव हो जाएगा, यानी कि वो एडिटेबल फाइल आपकी रहेगी। There is no loss in image quality, no matter how many times you reopen and resave a PSD. PSD के केस में इमेज में कोई लॉस नहीं होता है, आप कितनी भी बार इमेज को ओपन कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं, रिसेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बट इमेज की क्वालिटी में कोई लॉस नहीं होता है। All of your layers, layer masks, adjustment layers, etc. will be saved as part of the file, allowing you to go back at any time and make changes to the image or continue working from where you left off. ये सभी फोटोशॉप के फीचर्स होते हैं, किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप ये सभी कोई सभी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि लेयर्स, डिफरेंट लेयर मास्क, एडजस्टमेंट लेयर्स, ये सभी फीचर्स आपकी पीएसडी में फाइल में सेव होते हैं और आप उसको पूरी तरीके से एडिटेबल होते हैं। आप जहाँ से इसमें वर्क करना स्टॉप करते हैं, सेकंड टाइम जहाँ आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से पीएसडी आपकी एडिटेबल फाइल होती है। द ओनली रियल डिसएडवांटेज टू पीएसडी फाइल इज अ लार्ज फाइल साइज। जो डिसएडवांटेज है पीएसडी फाइल्स का वो है इसका लार्ज फाइल साइज, स्पेस ज़्यादा लेती है, फाइल साइज इसका लार्ज होता है। सो पीएसडी फाइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल यू कैन हैव। Be sure to save a master copy of your work as a PSD file, so you can always return to it in Photoshop when you need it. So, PSD file basically आपकी master file की तरीके से work करती है, बहुत important file होती है, जो भी आपका project document होता है, उसको आपको PSD file में save करके हमेशा preserve करना चाहिए, जिससे कि future में जब भी उसमें editing करनी हो, आप उसको easily edit कर सकें। Second है TIFF. TIFF का मतलब है Tagged Image File Format. Like PSD file, TIFF is one of the few file types that support all of Photoshop's features. PSD की तरह ही TIFF भी एक ऐसा file format है जो Photoshop के सभी features को support करता है. Lossless compression that allows you to save photos with the highest possible image क्वालिटी। इसमें जो कंप्रेशन होता है टिफ के केस में वो लॉसलेस होता है, जिससे कि आपकी क्वालिटी प्रिजर्व होती है, हाई क्वालिटी, हाई इमेज क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हैं। द क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस दो, एज टिफ फाइल्स कैन बी वेरी लार्ज, स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद जेपीईजी फाइल्स। बट जहाँ क्वालिटी होती है, यानी कि लॉस नहीं होगा कंप्रेशन का, तो वहीं उसका आपको प्राइस भी पे करना होगा, जिसका प्राइस होगा लार्ज फाइल साइज। तो जेपीईजी के कंपैरिजन में जो टिफ फाइल्स होती हैं, उनका फाइल साइज हमेशा लार्ज होता है। हाई क्वालिटी टिफ इमेजेस आर नोन फॉर हाई क्वालिटी, जैसे कि अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जो हाई क्वालिटी मेंटेन की जाती है टिफ्स में। टिफ इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर इमेज designed for commercial printing and is compatible with virtually all page layout programs like Quark Express and InDesign. So basically, जैसे कि मैंने last slide में बताया, PSD जो file होती है Photoshop की, जो editable file होती है, उसमें भी quality में loss नहीं होता है, file size large होता है, editable होती है, लेकिन उसको हम printing purpose के लिए use नहीं करते हैं। जबकि टिफ फाइल फॉर्मेट जो होता है, उसे आप प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि स्टैंडर्ड होता है प्रिंटिंग पर, कमर्शियल प्रिंटिंग के लिए। और जो टिफ फाइल्स होती हैं, वो डिफरेंट जितने भी अदर प्रोग्राम्स हैं प्रिंटिंग के लिए कंपैटिबल प्रोग्राम्स, जैसे कि क्वार्क एक्सप्रेस और इनडिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें उस क्वार्क एक्सप्रेस, इनडिज़ाइन, फोटोशॉप, इन सभी से टिफ फाइल्स जो होती हैं कंपैटिबल होती हैं। Use the TIFF format to save a flattened version of the image for print. तो प्रिंटिंग के लिए आप flattened version भी इमेज का सेव कर सकते हैं TIFF file format के माध्यम से। This makes it easy to tell just from looking at the file extension which version of your image is the master working file and which is the flattened print ready version. तो अगर आप प्रिंटिंग के लिए इमेज को JPEG में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें कुछ लॉस होने का चांस होता है, क्योंकि जेपीईजी क्या करता है, फाइल्स को कंप्रेस कर देता है, तो वहाँ से पिक्सल्स का लॉस होता है। तो टिफ के केस में क्वालिटी मेंटेन होती है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग आपकी आपको ज़रूरत है, तो आप टिफ के केस में
वो आपकी मेंटेन रहेगी। तो फोटोशॉप आपकी बेसिकली मास्टर वर्किंग फाइल की तरह वर्क करती है। फोटोशॉप की जो फाइल होती है डॉट PSD फाइल, और जो डॉट टिफ फाइल होती है वो आपकी प्रिंटर रेडी फाइल होती है, यानी प्रिंटिंग पर्पज के लिए आप डॉट टिफ फाइल को सेव कर सकते हैं एंड उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को जो है उस आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी फाइल आपकी मास्टर वर्किंग फाइल है, इफ इट इज़ PSD, एंड टिफ फाइल आपकी फाइनल फाइल होगी जो कि प्रिंटिंग पर्पज के लिए यूज की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जिफ। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल फॉर्मेट होता है जिफ, आप सभी इससे फैमिलियर होंगे ऑलरेडी। इसका मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जिफ। द ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट टेक्स एन इमेज एंड रिक्रिएट्स इट यूजिंग अ पैलेट ऑफ नो मोर देन 256 कलर्स। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट में बेसिकली जो इमेज होती है वो 256 कलर्स को यूज करके, 256 कलर पैलेट को यूज करके क्रिएट की जाती है। जिफ इज अ वेरी एफिशिएंट फॉर्मेट दैट अचीव्स वेरी गुड कंप्रेशन फॉर नॉन फोटोग्राफिक इमेजेस। तो बेसिकली जिफ क्या होता है, जिफ जो फाइल फॉर्मेट होती है वो बहुत ही एफिशिएंट फाइल फॉर्मेट है, और इसमें बहुत अच्छा कंप्रेशन भी होता है, यानी कि फाइल साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंप्रेशन यूज होता है, किया जा सकता है कंप्रेशन के लिए। एंड बेसिकली जिफ फाइल जो होती है वो नॉन फोटोग्राफिक इमेजेस होती हैं। जिफ ऑल्सो परमिट्स द क्रिएशन ऑफ एनिमेटेड इमेजेस बाई अलाउिंग ए फाइल टू कंटेन सेवरल डिफरेंट फ्रेम्स। जिफ्स फाइल्स पॉपुलर हैं एनिमेटेड फाइल्स के लिए भी, एनिमेटेड जिफ्स आर वेरी पॉपुलर फैमिलियर दिस डेज। एंड उससे आप एक जिफ फाइल में आप डिफरेंट फ्रेम्स को यूज करके एनिमेशन रेडी कर सकते हैं। इन एडिशन जिफ इमेजेस आर वन ऑफ द फ्यू टाइप्स दैट कैन हैव ए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। यस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जिफ। तो जेपेग के केस में, PSD के केस में, या टिफ के केस में जो आपका बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज़ करके भी आपने, फॉर एग्जांपल आपने एक लोगो लिया, लोगो क्रिएट किया, तो लोगो उसका सर्कुलर लोगो है, एंड जो है आपका जो फाइल साइज है, जो भी आपका कैनवस है, स्पेस है, जब आप उसको जेपेग में आप उसको एक्सपोर्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट कलर की बैकग्राउंड होता है। जिफ के केस में ऐसा नहीं होता है, अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हो तो वो ट्रांसपेरेंट ही रहती है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेनी है तो आप जिफ फाइल में सेव, जिफ फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव करा सकते हैं। मीनिंग दैट देयर इज नो नीड टू ऑलवेज डिस्प्ले रेक्टेंगुलर एरिया। तो यानी कि रेक्टेंगुलर एरिया जो बैकग्राउंड का होगा वो हमेशा डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसलिए जिफ फाइल्स लोगो डिजाइनिंग के लिए भी बहुत यूजफुल होती हैं, या अदर जो है फॉर एग्जाम्पल जहाँ भी हमें बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। तो जो कंप्रेशन होता है वो लॉसलेस कंप्रेशन होता है इस केस में। जिफ्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इमेजेस फाइल फॉर्मेट्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स जेपेग। जेपेग मीन्स जॉइंट फोटोग्राफर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। जेपेग जॉइंट फोटोग्राफर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। The Joint Photographic Experts Group created the JPEG standard in 1990 for the efficient compression of photographic images. The Joint Photographic Experts Group ने 1990 में एक स्टैंडर्ड लॉन्च किया जिसको JPEG स्टैंडर्ड के नाम से जाना गया, जो कि बेसिकली फोटोग्राफिक इमेजेस को कंप्रेस करता है, को efficient compression देने के लिए, उनका साइज को रिड्यूस करने के लिए ये स्टैंडर्ड लॉन्च किया गया। तो JPEG allows varying levels of lossy compressions। तो बहुत से लेवल्स का कंप्रेशन JPEG allows करता है, वेरी करती है कि उसमें कितना लॉस होगा कंप्रेशन में पिक्सल्स का, लेटिंग यू ट्रेड ऑफ क्वालिटी अगेंस्ट फाइल साइज। बहुत हाई कंप्रेशन आप यूज करेंगे तो क्वालिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। प्रोग्रेसिव JPEG इज अ वे टू रीअरेंज द ग्राफिक डेटा टू परमिट अ रफ व्यू ऑफ द एंटायर इमेज इवन व्हेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फाइल हैज बीन डाउनलोडेड। जो प्रोग्रेसिव JPEG होती है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव JPEG के केस में आपको एक परमिट करता है एक रफ व्यू पूरी इमेज का, यानी कि पूरी डाउनलोड होने से पहले ही आपको आइडिया हो जाता है कि इस इमेज में क्या है, मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की इमेज आपकी डिस्प्ले होती है। तो प्रोग्रेसिव JPEG उसको कहते हैं। तो अरेंज करते हैं जैसे कि वो स्मॉल पोर्शन आपका डाउनलोड होते ही आपको उसका जो है एक जो आइडिया हो जाता है, एक जो पूरा उसका जो पिक्चर का एक तरीके से जो उसकी आउटलाइन आपको पता चल जाती है।
JPEG 2000 जो स्टैंडर्ड है ऑफर्स इम्प्रूव कंप्रेशन इंक्लूडिंग लॉसलेस कंप्रेशन एंड सपोर्ट्स मल्टीपल रिजोल्यूशंस इन अ सिंगल फाइल बट इट हैज ओनली लिमिटेड सपोर्ट इन करंट वेब ब्राउजर्स. तो स्टैंडर्ड JPEG 2000 स्टैंडर्ड जो होता है वो इम्प्रूव कंप्रेशन ऑफर करता है लॉसलेस कंप्रेशन के साथ और सपोर्ट करता है बहुत से रिजोल्यूशंस को एक सिंगल फाइल में. बट इट हैज ओनली लिमिटेड सपोर्ट इन करंट वेब ब्राउजर्स. लेकिन जो करंट वेब ब्राउजर्स हैं उसमें लिमिटेड सपोर्ट JPEG की होती है आजकल. हालांकि सभी वेब ब्राउजर्स इसको सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स पीएनजी. पीएनजी इज अगेन अ वेरी पॉपुलर फाइल फॉर्मेट. इसका फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट. PNG is a standard developed in 1996 as an alternative to an improvement on GIF. GIF ke alternative ke taur pe isko 1996 mein improve develop kiya gaya tha aur ye ek tarike se improvement hai GIF images ke upar. So PNG files are also usually smaller than GIF files, so they will load even faster in a web browser. The GIF ke case mein, because GIF ke case mein lossless compression hota hai and file size हालांकि BSD या TIFF से बहुत रिड्यूस होता है बट PNG के केस में GIF से भी स्मॉलर फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि वेब ब्राउजर पे इजीली लोड हो जाती हैं, फास्ट होती हैं लोड होने में. PNG कैन कंप्रेस एन इमेज मोर देन GIF एंड सपोर्ट्स इम्प्रूव्ड बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी बट अलाउज ओनली सिंगल इमेजेस विदाउट एनिमेशन. तो PNG GIF से ज़्यादा कंप्रेशन प्रोवाइड करता है और जो बैकग्राउंड की जो ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी वाला फीचर है वो भी यहाँ से इम्प्रूव है GIF के कंपैरिजन में. लेकिन सिंगल इमेज के लिए PNG फाइल फॉर्मेट यूज होता है यानी कि PNG एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करता है. द बिगेस्ट एडवांटेज ओवर JPEG इज दैट PNG इज अ लॉसलेस फाइल फॉर्मेट मीनिंग दैट इवन दो इट स्टिल कंप्रेसेस इमेजेस टू रिड्यूस फाइल साइज. अगर हम इसे PNG फाइल फॉर्मेट को JPEG से कंपेयर करते हैं, GIF से अगर कंपेयर करते हैं हम तो दिस इज नेचुरली बेटर. GIF से बेटर है, इम्प्रूव है, लेकिन स्टिल इमेजेस के केस में, सिंगल इमेजेस के केस में एनिमेशन पॉसिबल नहीं है PNG में. अगर हम इस PNG को JPEG से कंपेयर करते हैं तो JPEG से कंपेयर करने में जो इसका बिगेस्ट एडवांटेज है वो है इसका फाइल साइज एंड लॉसलेस फाइल फॉर्मेट. यानी कि इसमें कंप्रेशन ज़्यादा आप अचीव कर सकते हैं, रिड्यूस फाइल साइज होता है JPEG के कंपैरिजन में और लॉसलेस होता है JPEG के कंपैरिजन में. यू कैन इवन रिसीव द सेम PNG फाइल मल्टीपल टाइम्स विदाउट डिक्रीजिंग इट्स क्वालिटी वेयर एज JPEG फाइल्स लुक वर्स ईच टाइम यू रिसीव देम. एक अदर जो डिफरेंस है JPEG और PNG फाइल्स के बीच में, JPEG फाइल्स के केस में क्या होता है, आप जितनी बार उसे सेव करेंगे कंप्रेशन अप्लाई होगा और जो क्वालिटी होगी वो डिग्रेड होती चली जाएगी और इवन वर्स हो जाएगी. लेकिन PNG के केस में ऐसा नहीं है. PNG के केस में अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिसेव करते हैं तो क्वालिटी आपकी डिग्रेड नहीं होती है, क्वालिटी आपकी मेंटेन रहती है. तो एडवांटेजेस हैं पीएनजी के जिफ के साथ भी और जेपेक के ऊपर भी काफी एडवांटेजेस हैं पीएनजी को यूज करने के. द डाउनसाइड इज दैट पीएनजी इज नॉट एज वाइडली सपोर्टेड एज अ जेपेक फॉर्मेट एंड पीएनजी डज नॉट सपोर्ट सीएमवाई के कलर व्हिच मींस कमर्शियल प्रिंटर्स कैन नॉट यूज देम. अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, पीएनजी के डाउनसाइड क्या है कि पीएनजी वाइडली सपोर्टेड नहीं है जेपेक की तरह. जेपेक एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन चुका है इमेजेस का, सभी जानते हैं, सभी हर हमेशा हर जगह डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डिवाइसेस में जेपेक इजीली यूज हो जाता है. तो पीएनजी हमेशा हर जगह सपोर्टेड नहीं होती है क्योंकि पीएनजी क्या सीएमवाई के कलर को भी सपोर्ट नहीं करती, जिसका मतलब कि प्रिंटर्स जो कि सीएमवाई के फॉर्मेट को यूज करते हैं, याद रखने की बात है कि कमर्शियल प्रिंटर्स में सीएमवाई के मॉडल यूज होता है कलर का, आरजीबी नहीं होता है, क्योंकि पीएनजी सीएमवाई को सपोर्ट नहीं करती है. तो पीएनजी इसका मतलब प्रिंटर्स प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं इसको हम. अनफॉर्चुनेटली ओल्डर वेब ब्राउजर्स मे नॉट सपोर्ट द पीएनजी फॉर्मेट. जो ओल्डर वेब ब्राउजर्स हैं वो भी पीएनजी फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, व्हिच मींस जिफ इज स्टिल द सेफेस्ट चॉइस व्हेन ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इज योर मेन कंसर्न.
तो इंटरनेट के केस में, नेट के जहाँ ब्राउजर कंपैटिबिलिटी का कंसर्न है कि अगर कोई ओल्डर पीसी है, इफ समवन इज यूजिंग ओल्डर वेब ब्राउजर, तो उस केस में पीएनजी फाइल ओपन नहीं हो सकेगी, जबकि जिफ इज द सेफेस्ट चॉइस, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड सेफेस्ट चॉइस इज जिफ. ऑल्सो व्हेन जिफ सपोर्ट्स एनिमेशंस, पीएनजी डज नॉट. आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस स्लाइड दैट जिफ जो एनिमेशंस के लिए जानी जाती है, पीएनजी एनिमेशंस को सपोर्ट नहीं करती है. पीएनजी फाइल्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड इन मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स लाइक फ्लैश एज वेल एज कीनोट एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो पीएनजी कहाँ यूज होती है बेसिकली? पीएनजी फाइल फॉर्मेट मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स जैसे कि फ्लैश में यूज होती है, एंड कीनोट एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी पीएनजी फाइल्स का यूज होता है. फाइनली मूविंग टुवर्ड्स ईपीएस यानी कि एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, ईपीएस फाइल फॉर्मेट. ईपीएस इज अनदर प्रिंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो यह भी क्या है? प्रिंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, प्रिंटिंग के लिए स्टैंडर्ड होता है ईपीएस, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट. दैट इज बीन अराउंड फॉर क्वाइट अ वाइल, बट इट्स यूज हैज बीन इन डिक्लाइन ओवर द ईयर्स. काफ़ी लंबे अरसे से ईपीएस जो है पॉपुलर है, लेकिन अभी कुछ सालों से इसका जो यूज़ है वो डिक्लाइन है, मतलब कम हो गया है. ईपीएस फाइल्स आर नॉट रियली इमेज फाइल्स इन द ट्रेडिशनल सेंस. एक्चुअली ट्रेडिशनली टेक्निकली ईपीएस फाइल्स एक्चुअल इमेज फाइल्स नहीं होती हैं. इंस्टेड दे कंटेन अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ अ प्रिंटर शुड रिप्रोड्यूस द, बल्कि उसमें बहुत सी इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं इमेज में जो कि प्रिंटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होती हैं कैसे इमेज को रिप्रोड्यूस करनी है. दे कैन बी इम्पोर्टेड इनटू मोस्ट पेज लेआउट प्रोग्राम्स, जितने भी पेज लेआउट प्रोग्राम्स हैं मोस्टली सभी में वो इम्पोर्ट की जा सकती हैं. बट द एनकैप्सुलेटेड पार्ट मीन्स द फाइल्स आर एसेंशियली लॉग्ड एंड कैन नो लॉन्गर बी मॉडिफाइड अनलेस दे आर ओपन फोटोशॉप. तो ईपीएस के मतलब होता है एनकैप्सुलेटेड. एनकैप्सुलेटेड मतलब जस्ट लाइक आप कैप्सूल होता है ना, तो कैप्सूल में एनकैप्सुलेट का मतलब होता है जो मेडिसिन होती है वो एक कवर के अंदर होती है. तो एनकैप्सुलेटेड का मतलब यहाँ होता है कि जो फाइल्स हैं वो असेंशियली लॉक्ड है और उसको परमिशन के बिना जस्ट दे आर रीओपन इन फोटोशॉप, जब तक कि वो फोटोशॉप में रीओपन नहीं होती हैं उनको यूज एडिट नहीं किया जा सकता है. प्रीव्यू इमेज मस्ट बी एम्बेडेड इन द ईपीएस फाइल व्हेन यू सेव इट इन फोटोशॉप. जब आप उसे फोटोशॉप में सेव करते हैं तो एक प्रीव्यू इमेज एम्बेड होनी चाहिए ईपीएस फाइल के साथ. इफ यू वांट इट टू बी व्यूएबल ऑन स्क्रीन व्हेन वर्किंग इन योर पेज लेआउट प्रोग्राम, अगर आप उसको ऑन स्क्रीन व्यू करना चाहते हैं जब आप अपने पेज लेआउट प्रोग्राम में वर्क कर रहे होते हैं. अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सी इट अंटिल द लेआउट इज रेडी. अदरवाइज आपको ये वहां से पेज लेआउट प्रोग्राम में जब तक कि लेआउट प्रिंट नहीं होगी आपको डिस्प्ले नहीं होगी. तो इस तरीके से ईपीएस बेसिकली क्या है? स्टैंडर्ड है प्रिंटर इंडस्ट्री के लिए जो मोस्टली यूज होता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती है प्रिंटर्स के लिए. एम्बेडेड होती है, एनकैप्सुलेटेड होती है ये फाइल, जिसको जो है फोटोशॉप के बिना आप एडिट नहीं कर सकते हैं, और उसमें उसका एक प्रीव्यू इमेज एम्बेड होना मस्ट होता है जिससे कि आप उसको व्यू कर सकें. तो ये थी हमारे इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स लाइक जेपेग, जिफ, ईपीएस एंड जो है पीएसडी फाइल्स. इसके अलावा अदर फाइल फॉर्मेट्स जो कि यूज होती हैं जैसे कि ओपन सोर्स टूल्स होते हैं इमेज एडिटिंग के, जिम के केस में जब जिम का लेक्चर लूंगी उस में मैं अदर फाइल फॉर्मेट्स भी डिस्कस करूंगी. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.